ओम। अथ तृतीयो अध्यायः। अर्जुन उवाच, ज्यायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन, तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसी केशवा। अर्जुन बोले, हे जनार्दन, यदि आपको कर्म की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ मान्य है, तो फिर हे केशव, मुझे भयंकर कर्म में क्यों लगाते हो? व्यामी श्रेणी वा वाक्येन बुद्धिं मोयसी वा मे तदेकं वदा निश्चित्य येन श्रेयो हमाप्नुयाम। आप मिले हुए से वचनों से मेरी बुद्धि को मानो मोहित कर रहे हैं, इसलिए इस एक बात को निश्चित करके कहिए जिससे मैं कल्याण को प्राप्त हो जाऊं। श्री भगवान वाच, लोके अस्मिन् द्विधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ, ज्ञान योगेन सांख्यानां कर्म योगेन योगिनां। श्री भगवान बोले, हे निष्पाप अर्जुन, इस लोक में दो प्रकार की निष्ठा मेरे द्वारा पहले कही गई है। निष्ठा अर्थात साधन की परिपक्व अवस्था, उनमें से सांख्य योगियों की निष्ठा तो ज्ञान योग से और योगियों की निष्ठा कर्म योग से होती है। माया से उत्पन्न हुए संपूर्ण गुण ही गुणों में बरतते हैं, ऐसे समझकर तथा मन इंद्रिय और शरीर द्वारा होने वाली संपूर्ण क्रियाओं में कर्तापन के अभिमान से रहित होकर सर्वव्यापी सच्चिदानंद घन परमात्मा में एक ही भाव से स्थित रहने का नाम ज्ञान योग है। इसी को संन्यास, सांख्य योग आदि नामों से कहा गया है। कर्म योग फल और आसक्ति को त्याग कर भगवत आज्ञा अनुसार केवल भगवत अर्थ समत्व बुद्धि से कर्म करने का नाम निष्काम कर्म योग है। इसी को समत्व योग, बुद्धि योग, कर्म योग, तदर्थ कर्म, मदर्थ कर्म, मत कर्म आदि नामों से कहा गया है। न कर्मणाम अनारम्भान नैष्कर्म्यम पुरुषोऽश्नुते, न च संन्यासनादेव सिद्धिं समधिगच्छति। मनुष्य न तो कर्मों का आरंभ किए बिना निष्कर्मता को यानी योग निष्ठा को प्राप्त होता है, और ना कर्मों के केवल त्याग मात्र से सिद्धि यानी सांख्य निष्ठा को ही प्राप्त होता है। जिस अवस्था को प्राप्त हुए पुरुष के कर्म अकर्म हो जाते हैं, अर्थात फल उत्पन्न नहीं कर सकते, उस अवस्था का नाम निष्कर्मता है। नहीं कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृत, कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृतिर्जय गुणैः। निसंदेह कोई भी मनुष्य किसी भी काल में क्षण मात्र भी बिना कर्म किए नहीं रहता, क्योंकि सारा मनुष्य समुदाय प्रकृति जनित गुणों द्वारा परवश हुआ कर्म करने के लिए बाध्य किया जाता है। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य यः आस्ते मनसा स्मरन्, इन्द्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। जो मूढ़ बुद्धि मनुष्य समस्त इंद्रियों को हठपूर्वक ऊपर से रोककर मन से उन इंद्रियों के विषयों का चिंतन करता रहता है, वह मिथ्याचारी अर्थात दंभी कहा जाता है। यस्त्वेन्द्रियाणि मनसा
नियम्याराभते अर्जुन कर्मेन्द्रिय ही कर्मयोगमसक्तः स विशिष्यते। किंतु हे अर्जुन, जो पुरुष मन से इंद्रियों को वश में करके अनासक्त हुआ समस्त इंद्रियों द्वारा कर्मयोग का आचरण करता है वही श्रेष्ठ है। नियतम कुरु कर्मा त्वं कर्म ज्यायो ह्यः कर्मणः शरीर यात्रापि चाते न प्रसिद्ध येद कर्मणः। तू शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म कर, क्योंकि कर्म ना करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है, तथा कर्म ना करने से तेरा शरीर निर्वाह भी नहीं सिद्ध होगा। यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधना तदार्थं कर्मा कौन्तेय मुक्त संगः समाचरा। यज्ञ के निमित्त किए जाने वाले कर्मों से अतिरिक्त दूसरे कर्मों में लगा हुआ ही यह मनुष्य समुदाय कर्मों से बंधता है। इसलिए हे अर्जुन, तू आसक्ति से रहित होकर उस यज्ञ के निमित्त ही भली भांति कर्तव्य कर्म कर। सह यज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रसविष्य ध्वमेश वो स्त्विष्टा कामधुक। प्रजापति ब्रह्मा ने कल्प के आदि में यज्ञ सहित प्रजाओं को रचकर उनसे कहा कि तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा वृद्धि को समृद्धि को प्राप्त हो और यह यज्ञ तुम लोगों को इच्छित भोग प्रदान करने वाला हो। देवान भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमावाप्स्यतः। तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा देवताओं को उन्नत करो और वे देवता तुम लोगों को उन्नत करें। इस प्रकार निस्वार्थ भाव से एक दूसरे को उन्नत करते हुए तुम लोग परम कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। इष्टान भोगान ही वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविता तैर दत्तान प्रदायैभ्यो यो भुंते स्तेन एव सः। यज्ञ के द्वारा बढ़ाए हुए देवता तुम लोगों को बिना मांगे ही इच्छित भोग निश्चय ही देते रहेंगे। इस प्रकार उन देवताओं के द्वारा दिए हुए भोगों को जो पुरुष उनको बिना दिए ही स्वयं भोगता है वह चोर ही है। यज्ञाशिष्टाशिनः संतो मुच्यन्ते सर्वाकिल विषय भुंजन्ते ते त्वघम पापा ये पचन्त्यात्म कारणात्। यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाला श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाते हैं और जो पापी लोग अपना शरीर पोषण करने के लिए ही अन्न पकाते हैं वे तो पाप को ही खाते हैं। अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्याद अन्ना संभवः यज्ञाद भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवः कर्म ब्रह्मोद्भवम् विद्धि ब्रह्माक्षरा समुद्भवम् तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न की उत्पत्ति वृष्टि वर्षा से होती है, वृष्टि यज्ञ से होती है और यज्ञ विहित कर्मों से उत्पन्न होने वाला है। कर्म समुदाय को तू वेद से उत्पन्न जान और वेद को अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुआ जान। इससे सिद्ध होता है कि सर्वव्यापी परम अक्षर परमात्मा सदा ही यज्ञ में प्रतिष्ठित है। एवं प्रवर्तितं चक्रम नानुवर्त्य हतीह यः
अघायुरिंद्रियारामो मोघम पार्थ स जीवति। हे पार्थ, जो पुरुष इस लोक में इस प्रकार परंपरा से प्रचलित सृष्टि चक्र के अनुकूल नहीं बरतता, अर्थात अपने कर्तव्य कर्म का पालन नहीं करता, वह इंद्रियों के द्वारा भोगों में रमण करने वाला पापायु पुरुष व्यर्थ ही जीता है। यस्त्वा आत्मा रतिरेव स्यादात्मा तृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च संतुष्टस्तस्य कार्यं न विद्यते। परंतु जो मनुष्य आत्मा में ही रमण करने वाला और आत्मा में ही तृप्त तथा आत्मा में ही संतुष्ट हो, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। नैव तस्य कृतेनार्थो न कृतेनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थ व्यपाश्रयः। उस महापुरुष का इस विश्व में ना तो कर्म करने से कोई प्रयोजन रहता है और ना कर्मों के ना करने से ही कोई प्रयोजन रहता है, तथा संपूर्ण प्राणियों में भी इसका किंचन मात्र भी स्वार्थ का संबंध नहीं रहता। तस्मादसक्तः सततम् कार्यम् कर्म समाचरः असक्तो ह्याचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः। इसलिए तो निरंतर आसक्ति से रहित होकर सदा कर्तव्य कर्म को भली भांति करता रहे, क्योंकि आसक्ति से रहित होकर कर्म करता हुआ मनुष्य परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। कर्मणैव हि संसिद्धि मासिता जनकादयः लोकसंग्रहमेवापि संपश्यन् कर्तुमर्हसि। जनकादि ज्ञानी जन भी आसक्ति रहित कर्म द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए थे, इसलिए इस लोक संग्रह को देखते हुए भी तू कर्म करने के योग्य ही है, अर्थात तुझे कर्म करना ही उचित है। यद यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तद्देवेतरो जनः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदानुवर्तते। श्रेष्ठ पुरुष जो जो आचरण करता है, अन्य पुरुष भी वैसा वैसा ही आचरण करते हैं। वह जो कुछ प्रमाण कर देता है, समस्त मनुष्य समुदाय उसी के अनुसार बरतने लग जाता है। नामे पार्थास्ति कर्तव्यम् त्रिषु लोकेषु किंचना नानावाप्तमवाप्तव्यम् वर्त एव च कर्मणि। हे अर्जुन, मुझे इन तीनों लोकों में ना तो कुछ कर्तव्य है और न कोई भी प्राप्त करने योग्य वस्तु अप्राप्त है, तो भी मैं कर्म में ही बरतता हूं। यदि हे हम न वर्तेयम् जातु कर्मण्या तन्द्रितः मम वर्तामान वर्तन्ते मनुष्यः पार्थ सर्वशः। क्योंकि हे पार्थ, यदि कदाचित मैं सावधान होकर कर्मों में ना बरतूं तो बड़ी हानि हो जाए, क्योंकि मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। उत्सीदे युरिमे लोकाना कुर्याम कर्म चेदहम संकरस्य च कर्ता स्यामुपाहन्यामिमाः प्रजाः। इसलिए यदि मैं कर्म ना करूं तो ये सब मनुष्य नष्ट भ्रष्ट हो जाएं और मैं संकर्ता का करने वाला हूं तथा इस समस्त प्रजा को नष्ट करने वाला बनूं।
सक्तः कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्यात् विद्वांस तथा सक्तश्चिकीर्षुर्लोक संग्रहम्। हे भारत, कर्म में आसक्त हुए अज्ञानी जन जिस प्रकार कर्म करते हैं, आसक्ति रहित विद्वान भी लोक संग्रह करना चाहता हुआ उसी प्रकार कर्म करे। न बुद्धि भेदम जनयेद जानाम कर्म संगीनाम जोषयेत सर्वकर्माणि विद्वान युक्तः समाचरन्। परमात्मा के स्वरूप में अटल स्थित हुए ज्ञानी पुरुष को चाहिए कि वह शास्त्र विहित कर्मों में आसक्ति वाले अज्ञानियों की बुद्धि में भ्रम अर्थात कर्मों में अश्रद्धा उत्पन्न ना करे, किंतु स्वयं शास्त्र विहित समस्त कर्म भली भांति करता हुआ उनसे भी वैसे ही करवावे। प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते। वास्तव में संपूर्ण कर्म सब प्रकार से प्रकृति के गुणों द्वारा ही किए जाते हैं, तो भी जिसका अंतःकरण अहंकार से मोहित हो रहा है ऐसा अज्ञानी मैं करता हूं ऐसा मानता है। तत्ववित्तुम महाबाहु गुणकर्म विभागयोः गुणागुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। परंतु हे महाबाहु, गुण विभाग और कर्म विभाग के तत्व को जानने वाला ज्ञान योगी संपूर्ण गुण ही गुणों में बरत रहे हैं ऐसा समझकर उनमें आसक्त नहीं होता। त्रिगुणात्मक माया के कार्य रूप पांच महाभूत और मन बुद्धि अहंकार तथा पांच ज्ञानेंद्रियां पांच कर्मेंद्रियां और शब्दादि पांच विषय इन सबके समुदाय का नाम गुण विभाग है और इनकी परंपरा की चेष्टाओं का नाम कर्म विभाग है। गुण विभाग और कर्म विभाग से आत्मा को पृथक अर्थात निर्लेप जानना ही तत्व जानना है। प्रकृते गुण सम्मूढाः सज्जन्ते गुणकर्मसु तान कृत्स्न विदो मदान कृत्स्न विन्ना विचालयेत। प्रकृति के गुणों से अत्यंत मोहित हुए मनुष्य गुणों में और कर्मों में आसक्त रहते हैं। उन पूर्णतया ना समझने वाले मंद बुद्धि अज्ञानियों को पूर्णतया जानने वाला ज्ञानी विचलित ना करे। मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्याध्यात्मचेतसा निराशीर निर्ममो भूत्वा यद्यस्व विगत ज्वरः। मुझ अंतर्यामी परमात्मा में लगे हुए चित्त द्वारा संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके आशा रहित ममता रहित और संताप रहित होकर हे अर्जुन युद्ध कर। ये मे मतामिदं नित्यमनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो न सूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः। जो कोई भी मनुष्य दोष दृष्टि से रहित और श्रद्धा युक्त होकर मेरे इस मत का सदा अनुसरण करते हैं वे भी संपूर्ण कर्मों से छूट जाते हैं। ये त्वेतदभ्य सूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञान विमूढांस्तान् विद्धि नष्टाना चेतसः। परंतु जो मनुष्य मुझ में दोषारोपण करते हुए मेरे इस मत के अनुसार नहीं चलते हैं उन मूर्खों को तो संपूर्ण ज्ञानों में मोहित और नष्ट हुए ही समझ। सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतेर्जानावानापि
प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रहः किं करिष्यति। सभी प्राणी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, अर्थात अपने स्वभाव के परवश हुए कर्म करते हैं। ज्ञानवान भी अपनी प्रकृति के अनुसार चेष्टा करता है, फिर इसमें किसी का हठ क्या करेगा। इंद्रियस्यन्द्रियस्यार्थे राग द्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्ना वशमागच्छेतौ यस्य परिपंथिनौ। इंद्रिय इंद्रिय के अर्थ में, अर्थात प्रत्येक इंद्रिय के विषय में राग और द्वेष छिपे हुए स्थित हैं। मनुष्य को उन दोनों के वश में नहीं होना चाहिए, क्योंकि वे दोनों ही इसके कल्याण मार्ग में विघ्न करने वाले महान शत्रु हैं। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मा स्वानुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः। अच्छी प्रकार आचरण में लाए हुए दूसरे के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म अति उत्तम है। अपने धर्म में तो मरना भी कल्याण कारक है, और दूसरे का धर्म भय को देने वाला है। अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तो यम पापं चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्षेय बलादिव नियोजितः। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, तो फिर यह मनुष्य स्वयं ना चाहता हुआ भी जबरदस्ती लगाए हुए की भांति किससे प्रेरित होकर पाप का आचरण करता है। श्री भगवान वाच कामा एषा क्रोधा एषा रजोगुणा समुद्भवः महाशनो महापाप्मा विद्येयानामिह वैरिणम्। श्री भगवान बोले, रजोगुण से उत्पन्न हुआ यह काम ही क्रोध है। यह बहुत खाने वाला अर्थात भोगों से कभी ना अघाने वाला और बड़ा पापी है। इसको ही तू इस विषय में वैरी जान। धूमेना व्रियते वह निर्यथा दर्शो मलिन च यथोल्बेनावृतो गर्भस्तथा तेनेदामावृतम्। जिस प्रकार धुएं से अग्नि और मैल से दर्पण ढका जाता है, तथा जिस प्रकार जेर से गर्भ ढका रहता है, वैसे ही उस काम के द्वारा यह ज्ञान ढका रहता है। आवृतम ज्ञानमेतेन जानिनो नित्य वैरिणा काम रूपेण कौन्तेय दुष्पूरेण नालेन च। और हे अर्जुन, इस अग्नि के समान कभी ना पूर्ण होने वाले काम रूप ज्ञानियों के नित्य वैरी के द्वारा मनुष्य का ज्ञान ढका हुआ है। इंद्रियाणि मनोबुद्धिर् यस्याधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोह यत्येष जानमावृत्य देहिनम्। इंद्रियां, मन और बुद्धि, ये सब इसके वास स्थान कहे जाते हैं। यह काम इन मन बुद्धि और इंद्रियों के द्वारा ही ज्ञान को आच्छादित करके जीवात्मा को मोहित करता है। तस्मा त्वम इंद्रियाण्या यादौ नियम्य भरतृषभ पापमानं प्रजहि हेनं ज्ञान विज्ञान नाशनम्। इसलिए हे अर्जुन, तू पहले इंद्रियों को वश में करके इस ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाले महान पापी काम को अवश्य ही बलपूर्वक मार डाल। इंद्रियाणि प्राण्याहुरिन्द्रेभ्यः परम मना मनसस्तु परा बुद्धिर्यो बुदेः परतस्तु सह। इंद्रियों को स्थूल शरीर से
पर यानी श्रेष्ठ, बलवान और सूक्ष्म कहते हैं। इन इंद्रियों से परा मन है, मन से भी परा बुद्धि है, और जो बुद्धि से भी अत्यंत पर है वह आत्मा है। एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा संस्तभ्या आत्मनामात्मना जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदं। इस प्रकार बुद्धि से परा अर्थात सूक्ष्म, बलवान और अत्यंत श्रेष्ठ आत्मा को जानकर और बुद्धि के द्वारा मन को वश में करके, हे महाबाहो, तू इस काम रूप दुर्जय शत्रु को मार डाल। ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवत गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे कर्मयोगो नाम तृतीयो अध्यायः।